क्या आपके पास भी पीवीसी पाइप मौजूद हैं? तो फिर ये वीडियो खास होने वाली है आपके लिए, तो लाजमी पूरा वाच करें ताकि आप भी अपने पाइप को यूज़ करते हुए फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मीश गुप्ता परवीन, वेलकम टू माय चैनल मनी सेविंग आर्ट। आज की वीडियो को मैंने पीवीसी पाइप को रिसाइकिल किया है और इससे एक टोकरी बनाई है। तो ये मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है गत्ता, जिसे ये केक वगैरह की प्लेट जो होती है ना, जिसके ऊपर केक होता है, उसमें लगा होता है ये गत्ता। इसके ऊपर से मैंने शीट कट कर ली है और अब मैंने जो अपने सर्कल कट किए हुए थे पीवीसी पाइप से, ये हम किसी आरी ब्लेड से भी कट कर सकते हैं। मैंने वीडियो लेंथ ही ना हो जाए इस वजह से जो है वो कट करना नहीं दिखाया। तो ये तकरीबन 2-3 डेसीमीटर जो है वो इसकी भी तरह के मैंने कटिंग की है। गर्म कुछ किसी भी आयरन की चीज़ को, कटली छुरी वगैरह को गर्म करके ना, तो काटे तो आसानी से कट जाते हैं। तो ये इस तरह मैंने बना के रखे हुए थे। तो आप ये बस एक दूसरे के ऊपर सेट करके अपने सर्कल को थोड़ा सा शेप बिल्कुल गुलाई में सेट जाए, आगे पीछे ना हो जाए, तो ये लगाते जाएंगे। जो मैंने मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आई हैं और उन्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही है और वो मज़ीद होम डेकोर के हवाले से वीडियो हासिल करना चाहती हैं, तो फिर वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वो भी अपने घर को अपने हाथों से डेकोर कर सकें, ठीक है, और वो भी कम कॉस्ट में और चीज़ों को रिसाइकिल करते हुए। तो ये इस तरह से मैं इसके 2 चक्कर पूरे कर लिए हैं, अब मैं तीसरा दे रही हूँ। वैसे ये 2 में भी बास्केट अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ी सी बड़ी हो जाए। तो इस बास्केट को मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मेकअप वगैरह की चीज़ें तो मैंने नहीं जोड़ना दिखाई, लेकिन आप इसमें मेकअप वगैरह की चीज़ें भी रख सकते हैं। इसे फ्लावर एंड वेजिटेबल पॉट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और गुलदान वगैरह वेस के तौर पर भी डेकोर कर सकते हैं और वायर हैंगिंग बास्केट भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जिस तरीके में भी आइडिया अच्छा लगे ये कर लें। मैंने ये सारा करके तो मैंने पेंट लिया, ये ग्लू से ना अच्छे से मैं इसको कवर कर लूँगी, थोड़ा मज़बूत हो जाए, फिर हम इस पर पेंट अप्लाई कर देंगे। तो ये सारा पेंट जो है वो थोड़ा ब्रश की मदद से अच्छे से अप्लाई करना होगा, बिल्कुल कोई भी कोना पाइप का ना रह ना जाए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। तो ये अच्छे से सारा पेंट मैं अप्लाई कर लूँगी और फिर इसको मैं सिर्फ फ्लावर पॉट के तौर पर आपको दिखाऊँगी लास्ट में, और वेजिटेबल फ्रूट वगैरह इसमें रखूँगी। वैसे इसका बेस्ट यूज़ इसमें मेकअप की चीज़ें, तेल, शैम्पू वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो वो वैसे मैंने रख के नहीं दिखाया रिव्यू। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो और कैसा लगा ये आइडिया, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये देखिए मैंने इसमें फल रखे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको, फल वाली ज़्यादा अच्छी लगी है या फूलों वाली? ये मैंने इसमें फ्लावर रखे हैं, ठीक है। फ्लावर तो इतने ज़्यादा थे, बड़ी सारी टोकरी में छुप भी गई है। ये देखिए अच्छी लुक लग रही है मुझे, तो आपने ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, की वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।